अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मेस्टाइटिस क्या होता है, किस वजह से हमारी कैट और डॉग को हो सकता है, और इसमें हम अपनी कैट की क्या केयर कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और कुछ होम रेमेडीज के बारे में भी बताऊंगी। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी पार्ट जो है वो मिस ना हो। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेस्टाइटिस क्या होती है कि कैट के ब्रेस्ट के अंदर जो है मेमरी ग्लैंड होते हैं जिनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ये किस वजह से होते हैं कि कैट की बॉडी के अंदर जब कोई बैक्टीरिया एंटर होते हैं, जैसे कि इकोलाई हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, स्टेफलोकोकस हो गया, वो ब्रेस्ट मसल के अंदर जो है एंटर हो जाते हैं, वहां पे जाके इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इन्फेक्शन जब कॉज करते हैं तो वहां पे जो है स्वेलिंग हो जाती है, वो वहां पे एरिया बहुत ज्यादा गर्म फील होता है और रेडनेस हो जाती है, और कैट को जो है वो दर्द भी होती है। और मोस्टली जो होती हैं वो प्रेग्नेंट कैट्स के अंदर ये प्रॉब्लम होती है, या फिर जो फीडिंग मदर होती हैं, जो कैट जो होती हैं वो अपने बच्चों को फीड करवाती हैं, उनके अंदर ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। ये किस तरह से बैक्टीरिया एंटर होते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। जब हमारी कैट के जो किटन होते हैं वो अपनी मदर कैट को ब्रेस्ट पे कोई भी नेल से स्क्रैच कर देते हैं या फिर ज़्यादा जोर से बाइट कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है वहाँ पे थोड़ा वो जो है जख्म हो जाता है, तो बैक्टीरिया जो होते हैं वहाँ से एंटर हो जाते हैं ब्रेस्ट के अंदर और वहाँ जाके जो है वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। उसके अलावा जब हम कैट की बेडिंग जो होती है मतलब उसकी क्लीनिंग का ख्याल नहीं रखते तो भी कैट को ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें जो है जब बेडिंग मटेरियल जो होता है उसकी हम क्लीनिंग नहीं करते, मतलब उसको साफ नहीं करते, उसका जो कपड़ा है या जो भी आप चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसको चेंज नहीं करते, तो उससे भी हमारी कैट को इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके साइन और सिम्टम के बारे में कि अगर हमारी कैट को मेस्टाइटिस है तो वो कौन सी अलामत जाहिर करती है। शुरू में कैट जो होती है वो कोई भी स्पेसिफिक साइन जो होते हैं वो शो नहीं करती। हम लोगों ने किटन की ग्रोथ से अंदाज़ा लगाना होता है कि अगर हमारे किटन जो है उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही तो देखना है कि क्या मदर कैट जो है वो सही से फीडिंग करवा रही है या नहीं करवा रही। तो अगर आप लोगों को लगता है कि उसके ब्रेस्ट एरिया पे कोई स्वेलिंग है, रेडनेस है, तो आप जो है फौरन से किसी वेट से कंसल्ट करें, या फिर आप जो है वो घर पे भी उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। और इसके साथ ही कैट जो है उसकी मिल्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है। अगर आप मिल्क जो है निकाल के देखते हैं तो वो आपको मतलब येलविश टाइप का नज़र आता है और मतलब थिक थिक सा होता है, और समटाइम हमें वहाँ पे थोड़ा बहुत ब्लड भी देखने को मिल सकता है। और स्वेयर केसेस में क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा स्वेयर केस होता है, कैट को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, इससे कैट जो होती है बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, डिप्रेस हो जाती है, खाना पीना भी कम कर देती है, और इसके अलावा कैट जो है उसको बुखार भी हो सकता है, और उसका जो ब्रेस्ट एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा रेड होता है, स्वॉलन होता है, हाथ लगाने पे आपको बहुत ज़्यादा गर्म फील होता है और पर्पल कलर भी होना शुरू हो जाता है स्वेयर केसेस में। तो आपने क्या उसकी केयर करनी है, इसमें आपने क्या करना है कि आप घर पे क्या कर सकते हैं, उसको आपने सबसे पहले जो है वो गर्म कपड़े से या कोई चीज़ आपने गर्म करके हल्के हल्के उससे उसकी टकोर करनी है, जिसको हम बोलते हैं कि उसको फोमेंटेशन करनी है। और इसके साथ ही जो है आप कैबेज लीव्स ले सकते हैं, जो कि एक होम रेमेडी है। जो कैबेज लीव्स होते हैं ये आपने किसी टॉवल के अंदर रख के ये कैट के अपने ब्रेस्ट एरिया पे लपेट देने हैं 5 से 6 घंटे के लिए। इससे भी कैट को जो है काफ़ी मतलब बेहतर फील होता है, और इसके साथ ही आप कैट को जो है एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं। और इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने हैंड मिल्किंग जरूर करनी है। जिस एरिया में या जिस ब्रेस्ट में आपको लगता है कि इन्फेक्शन है वहाँ पे आपने हर 5 से 6 घंटे बाद उसकी मिल्किंग करनी है, ताकि मिल्क जो है वो वहाँ पे इकट्ठा ना हो। इससे भी कैट जो है काफ़ी बेहतर फील करती है। उसके साथ ही आपने कैट को जो है एंटीबायोटिक देनी है। एंटीबायोटिक में जो है आप अमोक्सिसिलिन दे सकते हैं, क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन आपने जो है टेट्रासाइक्लिन नहीं देनी है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं है मतलब मेस्टाइटिस के केस में। और इसके अलावा आप अपनी कैट को पेन किलर दे सकते हैं। पेन किलर में जो है आप लॉक्सिकिन का इंजेक्शन जो आता है वो दे सकते हैं, लेकिन आपने जब भी कोई इंजेक्शन लगाना है तो आपने डोज जो है वो ज़रूर कैलकुलेट कर लेनी है, या फिर किसी वर्ड से ज़रूर कंसल्ट करना है ताकि वो आपको गाइड कर सकेंगे किस तरह से आपने उसको मेडिसिन देनी है। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।